उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मौनिया बाबा का मेला अपने शताब्दी वर्ष मना रहा है। शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुके मौनिया बाबा मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले को लेकर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष शारदा देवी और कार्यपालक हरिश्चंद्र पूरी तरह मुस्तैद दिख रहे हैं। नगर पंचायत की तरफ से मेले में आए व्यक्तियों के लिए स्वच्छ पेयजल, चलवंत शौचालय, साफ सफाई की तैयारी की जायजा लेने के लिए मौनिया बाबा स्थल पर जाकर नगर अध्यक्ष शारदा देवी व कार्यपालक हरिश्चंद्र ने पूजा अर्चना कर मेले स्थल में जाकर जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मेले को देखते हुए नगर पंचायत की तरफ से शहर में हर चौक चौराहे पर स्थायी सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं ताकि मेले में पूरी तरह निगरानी रखा जा सके, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। नगर अध्यक्ष शारदा देवी बिहार सरकार नगर विकास मंत्री से मिलाकर एक ज्ञापन के अध्यक्ष राजकीय दर्जा एवं दर्जा देने व महाराजगंज के विकास के लिए हर संभव सहायता देने की मांग की है। वहीं मंत्री द्वारा नगर अध्यक्ष शारदा देवी को आश्वासन मिला कि जल्द राजकीय दर्जा देने पर विचार किया जाएगा। नगर अध्यक्ष के मंत्री से मिलने पर शहर में खुशी की लहर है। वहीं नगर अध्यक्ष शारदा देवी व कार्यपालक हरिश्चंद्र ने शहर में घूमकर शहर की साफ सफाई व अन्य कार्य का जायजा लिया, ताकि 14 व 15 लोगों को लाने वाले मेले में शुभारंभ होने पर किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर शहर में 6 मेला नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। जायजा लेने क्या तैयारियां हैं? मैं मौनिया बाबा के मेले के अवसर पर जो भी सर सफाई हो रहा है मैं उसका खुद निरीक्षण कर रही हूँ, और जो लिंक रोड बना है, फेवर ब्लॉक लगा है, उस पर भी मेरा नजर है। क्या अपील कीजिएगा महाराजगंज वासियों से मौनिया बाबा मेले को लेकर? मौनिया बाबा के मेले के अवसर पर मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस शांति व्यवस्था बनाए रखें और भाईचारा के साथ में अपना मेला को अच्छा से संपन्न हो। वहीं देखा जाए कि मौनिया बाबा का मेला शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और वहीं पर जब भी मेला मौनिया बाबा का मेला आता है राजनीतिकरण शुरू हो जाता है राजकीय दर्जा का। मैं भी तो मंत्री जी के पास गई थी, मैं प्रयास कर रही हूँ कि मंत्री जी के द्वारा हो सके, लेकिन देखिए मौनिया बाबा क्या करते हैं। मंत्री जी ने क्या, नगर विकास मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो दिए हैं, देखिए मौनिया बाबा जानते हैं, हम लोग के हाथ में तो कोई नहीं है, मौनिया बाबा के हाथ में सब कुछ है। नगर पंचायत द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किया गया सर? नगर पंचायत की तरफ से अभी जितने भी कंट्रोल रूम 5-6 जगह बन रहे हैं, नगर पंचायत ही कर रहा है, सफाई व्यवस्था करा रहे हैं, लिंक रोड बनवाए हैं, बासपुर के पास जो भी कचरा था उसके पेपर ब्लॉक हम लोग लगवाए हैं, लाइट व्यवस्था भी हम ही लोग देख रहे हैं, चूना ब्लीचिंग पाउडर सब हम लोग गिरवा देंगे, सारी व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया जा रहा है 5-7 पॉइंट पर। तो व्यवस्था संपन्न हो चुका है सर? एकदम अंतिम चरण में है, शाम 2-3 बजे तक सब कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, नगर पंचायत के अधिकारी होने के नाते क्या कुछ अपील कीजिएगा महाराज के नगर पंचायत के लोगों से? हम सबसे नगरवासियों से यही अपील करते हैं कि इस महान पर्व को शांति ढंग से लोग संपन्न कराएं, भाईचारा के साथ संपन्न कराएं, यही मेरी आकांक्षा है।